बदकारी का कारोबार है, और रब की कसम हलाला मुझे से ज्यादा गंदा है। अगर रब से हया करनी है अपने सर की हिफाजत कीजिए, अपने पेट की हिफाजत कीजिए। सही बुखारी में है, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु वर्दा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मुस्तफा की जान है, लवदितु, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, थुम्मा अहया, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। इस हदीस से यह साबित होता है कि मौत की तमन्ना करना जायज नहीं है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में शहादत की तमन्ना करना और दुआ करना जायज है। इब्ने माजा में है, सैयदना अनस बयान करते हैं, मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम की मौत का वक्त जब आया, बीमारी ने आप पर हमला किया, शिद्दत हुई, हसनैन की मामा सैयदा फातिमा, जन्नत की औरतों की सरदार, अली की सोचा, मेरे नबी की लखते जिगर रजी अल्लाह तआला अन्हा, आका के पास आई और आपकी तकलीफ को देकर कहा, वाखर बाबा, मेरे बाप की तकलीफ, मेरे अब्बा जान का गम, मेरे अब्बा जान की बीमारी। मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला करबा अला अबी की बाद अल यौम, ए फातिमा, आज के बाद तेरे बाबा पर कोई तकलीफ ना होगी, आज के बाद ये आखिरी तकलीफ है तेरे बाबा की, इसके बाद कोई तकलीफ ना होगी। आसमान से फरिश्ते उतरेंगे रूह कब्ज करने के लिए, मौत के इस सफर को अपने सामने रखा करें, आसमान से फरिश्ते उतरेंगे। लोगों के जनाजों को कंधा देने वालों, मेरे और आपके जनाजे को भी कंधा देने के लिए लोग आएंगे। लोगों के लाशों को गुसल देने वालों, कभी ना भूलना, आज किसी की लाश को गुसल दे रहे हो, कल कोई तुम्हारी लाश को गुसल देगा। आज किसी के लाशे पर कफन पहना रहे हो, कल कोई तुम्हारे लाशे पर कफन चढ़ाएगा। आज किसी के यतीमों को चुप करवा रहे हो, कल कोई तुम्हारे यतीमों को चुप करवाएगा। आज फरिश्ते उतरेंगे, कुरान हकीम हमारे सामने मंजर कशी करता है, अल्लज़ीन ततवफ्फाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन, नेक लोगों की रूहें कैसे कब्ज़ होंगी। मोमिन अहले ईमान अहले तौहीद, अल्लाह की तौहीद के लिए कटने और मरने वाला, तौहीद के लिए जीने वाला, तौहीद का गम अपने दिल में रखने वाला, अल्लाह के लिए नाराज होने वाला, अल्लाह के लिए राजी होने वाला, अल्लाह के लिए अता करने वाला, अल्लाह के लिए रोकने वाला, अल्लाह की तौहीद से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह की तौहीद के लिए दुनिया में रहने वाला, इसी अकीदे को आम करने वाला सच्चा मोमिन, सच्चा मवाहिद, जब इसकी मौत का वक्त आएगा तो फिर नेक और मुत्तकी शख्स की रूह आसमान से फरिश्ते उतरेंगे कब्ज करने के लिए। यकुलून, वो कहेंगे क्या, सलामुन अलैकुम, तुम पे अल्लाह की सलामती हो, तुम पे अल्लाह की रहमतें हो, तुम पे अल्लाह की मेहरबानी हो। इस तौहीद के साथ जुड़ जाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने जिंदगी का कायदा बना लीजिए, जिंदगी गुजारने का तरीका कार बना लीजिए, अल्लाह की पहचान पे जिंदा रहिए, अल्लाह की पहचान के अकीदे को आम कीजिए, और इसी अकीदे को आम करते करते अल्लाह से शहादत की मौत का सवाल कीजिए, तो फिर मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे सफर का आगाज किया है। जब फरिश्ते आ रहे हैं रूह कब्ज करने के लिए, कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पे अल्लाह की सलामती हो। तहय्यतुहुम यौम यलकौनहु सलाम, उस दिन उनका तहय्या सलाम गुफ्तगू उनकी, वो उन पर अल्लाह की तरफ से सलामती की दुआओं के साथ होगी। सही बुखारी में है, इमामुल अंबिया फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह से मुलाकात करना पसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात करना पसंद करता है। सय्यदा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के रबी, हमें मौत तो नापसंद है, आपने फरमाया अल्लाह की मुलाकात से मुराद मौत नहीं है, बल्कि जब मोमिन को मौत आती है तो उसे अल्लाह की रजामंदी, इज्जत अफजाई,
अल्लाह की तरफ से सलामतियों की खुशखबरियां मिलती हैं तो वो मजीद इनामात के लिए उसके दिल में शौक पैदा होता है, मजीद जन्नत की ख्वाहिश उसके दिल में जन्म लेती है, तो उसे अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमतों से ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं होती। यह हदीस कहां है? सही बुखारी में। यह हदीस कहां है? सही बुखारी में। वो कहां है जिनकी आदि कलंदरी राबिया बसरी कहती है, एक हाथ में आग हो एक हाथ में पानी हो, जहन्नम की आग से जन्नत को जला दूं, जन्नत के पानी से जहन्नम को बुझा दूं, फिर बेलोस होकर अल्लाह की इबादत करूं, फिर तूने लेना क्या है अल्लाह से? ये जन्नत और जहन्नम से बेजारी सूफिया का मजहब है, मुहम्मद करीम का मजहब ये नहीं है। नबी तो तालीम दे रहे, नबी तो सैयदा कायनात सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को बता रहे, मोमिन मौत के वक्त इसे खुशखबरियां मिलती हैं, आखरत के सफर की इब्तदा में अल्लाह की रजामंदियों की खुशखबरियां, जन्नत की नेमतों की बातें होती हैं, तो इसको सबसे ज्यादा महबूब ये नेमतें होती हैं, और वो जल्दी जल्दी अल्लाह से मिलने को पसंद करता है और अल्लाह भी उससे उसकी मुलाकात को पसंद करता है। लेकिन जब एक काफिर की मौत का वक्त आता है तो उसे अल्लाह के अजाब, अल्लाह की तरफ से सजा, अल्लाह की तरफ से फिटकार की आवाज सुनाई जाती है, और मरने के बाद जो जहन्नम का अजाब है उसकी बातें उसको बताई जाती हैं, तो वो उसके नजदीक सबसे बुरी चीज यही का अजाब होता है। वो अल्लाह की मुलाकात को पसंद नहीं करता, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद नहीं करता। अहले ईमान बनिए, अहले तौहीद बनिए, मुस्तफा के अकीदे पे आइए, नबी के मनहज पे जिंदगी गुजारिए, सहाबा के अमाल को अपने सामने रखिए, नतीजा ये निकलेगा कि इंशाल्लाह अहले तौहीद की मौत के वक्त अल्लाह के फरिश्ते उसको रब की तरफ से सलामती का पैगाम पहुंचाएंगे। जब मौत का वक्त आता है फरिश्ते उतरते हैं, अहले ईमान पर भी उतरेंगे, अहले शिर्क पर भी उतरेंगे, या अल्लाह मदद कहने वालों पर भी उतरेंगे, या अली मदद की सदाएं लगाने वालों पर भी उतरेंगे, अल्लाह के लिए सजदा और रुकू करने वालों पर भी आसमान से फरिश्ते आएंगे इनकी रूह कब्ज करने के लिए, और हर सावी झंडी को दे के सजदा करने वाले, पंजे और आलम को देकर सजदा करने वाले, हुसैन के घोड़े की छबी के सामने सजदा करने वाले, कब्रों के सामने सजदा करने वाले, इनके लिए भी मौत के फरिश्ते आएंगे। दोनों की कैफियत क्या होगी? मुसलमान अहले ईमान अहले तौहीद के पास जब फरिश्ते आएंगे, उनके हाथ में जन्नत के कफन होंगे, जन्नत की खुशबुएं होंगी, चेहरे उनके चांद की तरह सूरज की तरह चमकते हुए होंगे, जहां तक इसकी नजर काम करेगी फरिश्ते आके बैठ जाएंगे, और फिर मौत का फरिश्ता आएगा, मलकुल मौत आएंगे, और इससे क्या कहेंगे? अपनी पाकीज़ा रूह को बाहर निकाल, इसलिए कि तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो चुका है, अल्लाह तुझे तेरे प्यारे चेहरे का वास्ता है, अल्लाह हमारी मौत का वक़्त जब आए तो हमारे लिए फरिश्तों की जुबान से यही जुमले निकले, अपनी रूह को बाहर निकाल, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो चुका है, और अल्लाह हमें शहादत की मौत देके अपनी जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाना, अपनी रूह को बाहर निकाल, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो चुका है। अल्लाह हम जिंदगी के सबसे प्यारे दिन वो तेरी इबादत वाले गुजार रहे हों जब हमारे लिए मौत का लम्हा आए, हम ला इलाहा इल्लल्लाह के आवाज़े को बुलंद कर रहे हों, तेरी तौहीद के दावे को फैला रहे हों, आवाज़े को आम कर रहे हों, और इसी लम्हात में अल्लाह हमारी मौत का लम्हा आए, हम ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करते हुए तेरी जन्नतों की तरफ रवाना हो जाए, अपनी रूह को बाहर निकाल, तेरा अल्लाह तुझसे राजी है। फरमाते हैं सैयदा कायनात, रूह ऐसे मोमिन की मवाहिद की बाहर निकलेगी जैसे मशकीजा पानी का भरा हुआ मुंह उसका बंद हो, अचानक उसका मुंह खोल दो तो पानी छलांग लगा के बाहर आता है, इस तरह मोमिन मवाहिद की रूह बाहर निकलेगी जिसको जन्नत के कफन में ले लिया जाएगा, जिसको जन्नत की खुशबुएं लगा दी जाएंगी, जो मलकुल मौत के हाथ में एक लम्हे के लिए आएगा, फिर उससे अगला फरिश्ता, फिर उससे अगला फरिश्ता, उसकी इज्जत और तकरीम में इसी तरह ये आसमान की तरफ बुलंद होंगी, खुशबुओं से ये जहां महक उठे, आसमान से उतरने वाले फरिश्ते पूछेंगे किस खुशनसीब की रूह है,
जवाब मिलेगा फुला इबन फुला की रूह है, फुला इबन फुला जो इसका दुनिया में सबसे प्यारा नाम था, उस नाम से इसको पुकारा जाएगा और ये आसमान की तरफ आएगा। आसमान के दरवाजे खुलेंगे, पहले आसमान के फरिश्ते इसको अलविदा करने के लिए इसके साथ चलेंगे और ये आसमान के दरवाजे खुलता जाएगा। और फिर जब ये सातवें आसमान की तरफ पहुंचेगा तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि मेरे बंदे का नाम इल्लियीन में लिख लो और इसको जमीन की तरफ वापिस इसके जिस्म में लौटा दो। मुशरिक के लिए, बिदाती के लिए, अहले शिर्क के लिए, अहले निफाक के लिए मौत के फरिश्ते आएंगे और वो उसके पास बैठेंगे डरावनी शक्लों के साथ, जहन्नम के कफन और जहन्नम की बदबूएं लिए हुए, टाट लिए हुए। मौत का फरिश्ता आएगा, कहेगा अपनी खबीस रूह को बाहर निकाल, तेरा अल्लाह तुझसे नाराज हो चुका है। और मुशरिक से अल्लाह नाराज क्यों ना हो, क्योंकि मुशरिक को कभी अल्लाह पर उम्मीद होती नहीं है। मुशरिक की उम्मीदें सारी क्या होती हैं? उसने कहा जी वो मरा था, हमारा एक कब्र में दफन हुआ था, उनके नकीर पहुंचे थे। उसने कहा था मन रब्बुक, उसने कहा या अब्दुल कादिर जिलानी मदद, मा दीनुक या अब्दुल कादिर जिलानी मदद, मन नबीयुक या अब्दुल कादिर जिलानी मदद। अभी इतना करना, सावे चोले वाले बाबा आ गए। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फरिश्तों ने एक ने हाथ आगे किया, उसने हाथ पकड़ लिया, कहा अच्छा ये बताओ जब अल्लाह पैदा करने लगा था इंसान को तो तुमने ये क्यों कहा था कि ये सारे फसाद फैलाएंगे जमीन पे, इस फसाद की निस्बत सबकी तरफ क्यों की थी? फरिश्ते हक्के बक्के आए कि पूछण ते पै केड़े गंज पे हैं, क्या पूछने आए और किस सवाल में पकड़े गए? फरिश्ते कहेंगे पीर साहब, शाह साहब, हजरत जी हाथ छोड़ो, अल्लाह से पूछ के आते हैं। कहा अगर छोड़ दिया तुम दोनों जाओगे वापस नहीं आओगे, एक को काबू रखता हूं एक को छोड़ता हूं। एक फरिश्ते को पकड़ा हुआ, दूसरा फरिश्ता भाग के जाता है। अल्लाह हम तो वहां सवाल करने गए थे मुर्दे से मन रब्बू का, तो आगे कोई बाबा आया सावे चोले वाला, उसने तो हमें ही पकड़ लिया। अल्लाह मालिक कहेगा नाऊदु बिल्ला सुम्मा नाऊदु बिल्ला कि वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी है, अल्लाह की तरफ से भी इशारा होगा कि मेरे फरिश्तों को बख्श दे। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह नक़ले कुफर कुफर नबाशिद। पीर जेलानी कहेंगे अच्छा मेरे सारे मुरीदों को बख्श दे तो मैं तेरे फरिश्तों को छोड़ता हूँ। जैसे इंडिया पाकिस्तान में कैदियों का तबादला नहीं होता कि हमारा छोड़ गया, तुम्हारे छोड़ दो, तेरे छोड़ूंगा नहीं तो नहीं छोड़ता। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कहां गया ईमान और कहां गई तौहीद? इस मुशरिक के लिए लानत और फिटकार का आवाज़ा होगा, क्यों? इसको रब पर उम्मीद ही नहीं है। और मवाहिद की उम्मीदें किस पे होती हैं? अपने रब पर। एक अहले तौहीद बैठा था अपने रब के घर में, बैतुल्ला में रो रहा था, बगल में बैठा बादशाह उसके रोने को देख रहा था, उसके पास आकर कहने लगा मांग क्या मांगता है बादशाह वक्त हूं। हाय अल्लाह ये ईमान हमें भी अता फरमा दे। उसको देखकर कहा रब के घर में बैठकर तुझसे मांगू, अपने अल्लाह से शर्म आती है और रब को छोड़कर रब के बंदों के सामने गिरने वालों, क्या ये तुम्हारे जैसा बंदा नहीं है? क्या इसको पेशाब पखाने की हाजत नहीं होती? क्या इसको नींद और ऊंग नहीं आती? क्या ये बीमार नहीं होता? एक आजिज मखलूक को तुमने रब के बराबर बना दिया। कहा रब के घर में बैठ के तुझसे मांगू, रब से हया आती है। वो बादशाह पीछे होकर बैठ गया, जब चल पड़ा ये हरम से निकल गया, बैतुल्लाह से बाहर आ गया, बादशाह साहब भी पीछे पीछे आ गए। कहेंगे तू कह रहा था कि हरम में बैठकर, बैतुल्लाह में बैठकर, अल्लाह के घर में बैठकर तुझसे मांगू, अल्लाह से शर्म आती, अब तो रब के घर से बाहर आ गए ना, क्यों रो रहा था? मांग क्या मांगता है, तो मांगेगा दे दूंगा। कहा अच्छा ये बताओ बादशाह सलामत, दुनिया का मांगू या आखरत का मांगू? कहा आखरत में जैसे तू अल्लाह का मांगता है मैं भी अल्लाह का मांगता हूं, मैं तो बादशाह हूं, मेरे पास तो चार आने दुनिया के हैं, वो मांग का भले आदमी, मैं तो रब के घर में बैठकर, दुनिया वाले के घर में बैठकर भी उससे दुनिया नहीं आखरत के लिए रो रहा था। जिसकी रब पर उम्मीद ना हो, जिसकी उम्मीदें पीर के थूक और पीर के पांव के खाक पर हो,
बाबा जी ने गाली दे दी है, सब कुछ सवर जाएगा। बाबा जी ने डंडा मार दिया है, पीर बाबा धनके शाह ने डंडा मारा है, वजारत उज़्मा ना मिली तो वजारत आला ते किथे नहीं जानी। पीरों के थूक पर तवक्कुल करने वालों, पीरों के डंडों पर अपनी दुनिया को बनाने और संवारने की उम्मीदें रखने वालों, मुशरिक के पास फरिश्ते पहुंचेंगे, कहेंगे अपनी खबीस रूह को बाहर निकाल, तेरा अल्लाह तुझसे नाराज हो चुका है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम वला माहुम वला फी। ये रूह छुपती फिरेगी जिस्म के अंदर। सैयदाए कायनात फरमाती है इसकी रूह को कैसे निकाला जाएगा, मिसाल से समझाया। कांटेदार झाड़ी के ऊपर मलमल का दुपट्टा डाल दो, यहां तक के हर कांटा उसके अंदर अपनी जगह बना ले, और फिर एक पल्लू से पकड़ के उस बारीक कपड़े को खींच लो, जैसे ये कपड़ा तार तार हो जाता है, जब मुशरिक की रूह निकलेगी तो इसका जिस्म यूं तार तार हो जाएगा। बाहर निकलते ही इसको जहन्नम के कफन में ले लिया जाएगा, जहन्नम की बदबुओं से इसको, इसके ऊपर वो बदबुएं लगा दी जाएंगी। मलकुल मौत से दूसरा फरिश्ता लेगा, उससे तीसरा लेगा, आसमान की तरफ ये बुलंद होगा तो इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। रास्ते में फरिश्ते इस पर लानतें और बददुआएं करेंगे, किस खबीस की रूह है? जवाब मिलेगा, फुला इब्ने फुला की रूह है। आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, इस खबीस को जमीन पे पटक दिया जाएगा। कुरान हकीम से मंजर सुनिए, الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم, जिनको फरिश्ते मौत देंगे उनकी रूहें कब्ज करेंगे, कौन? जिन्होंने दुनिया में अपनी जानों पर जुल्म, अपनी जानों पर जुल्म किया। मुशरिक अपनी जान पे जुल्म करता है, मुशरिक अपनी जान पे जुल्म करता है, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, अपनी जन्नत को खराब करता है, अपनी जहन्नम को भरता है, अपनी जानों पर जुल्म करने वाले। जब इन पर फरिश्ते हाथ डालेंगे, इनसे कहेंगे अपनी खबीस रूहों को बाहर निकाल, तो ये आवाज लगाएंगे, मा कुन्ना नअमलु मिन सू, हम तो कुछ नहीं, कोई बुरा काम नहीं करते थे, हम शिर्क नहीं करते थे। बला इन्नल्लाहा अलीमुम बिमा कुंतुम तअमलून, अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम करते थे। तुम मुल्तान वाले बाबे शाह शम्स तबरेज़ के बारे में कहते थे, भूखा था, किसी ने कुछ नहीं दिया था, एक ने गोश्त का टुकड़ा दिया था, फिर किसी होटल वाले ने पका कर नहीं दिया था, हमारा बाबा जलाल में आया, सूरज की तरह मुंह करके कहा, तू भी शम्स है मैं भी शम्स हूं, नीचे आके गोश्त भून के दे, होटल वाला पका के नहीं दे रहा, सूरज सवा नेजे पर आया था और शाह शम्स तबरेज़ के हाथ में पकड़ी हुई बोटी को रोस्ट करके गया था, फिर वापस चला गया था, इसीलिए उस दिन से मुल्तान में बड़ी गर्मी पड़ती है। शाह शम्स तबरेज़ के मानने वालों, इस खोपड़ी में अकल है, इसको इस्तेमाल करके अहले तौहीद के एक छोटे से बच्चे के सवाल का जवाब तो दे दो। शम्स तबरेज़ ने हाथ आगे किया सूरज की तरफ, हाथ में पकड़ा हुआ गोश्त तो भून दिया, ए स्टेनलेस स्टील दा सी, बाबा लोहे दा सी, सूरज के सामने लोहा भी पिघल जाता है, ये किस चीज का बना हुआ था? कहना यही तो मारफत की गल है जी, थानू समझ नहीं आनी। अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों, वहां पर कहोगे मा कुन्ना नअमलु मिन सू, असी कुछ नहीं किया, हमने कोई शिर्क नहीं किया, यहां तो लाल शहबाज कबर कलंदर के अर्श का तवाफ भी कर रहे हो, वहां पत्थरों पे सजदे भी हैं। I'm going to go to the hospital.
हुसैन टेकरी मध्य प्रदेश जोरा गांव के अंदर दरबार है सैयदना हुसैन के नाम का, वहां पोटी पेशाब के पानी को लोग उसके अंदर गुसल फरमा रहे हैं जैसे ये किसी नदी में आकर नहा रहे हैं। लेकिन हुसैन टेकरी की पाक ताकतों का काम अभी जारी है। यहां हाजिरी के दौरान हुसैन साहब भूतों जिन्नों को कई तरह की सजाएं सुनाते हैं। किसी को बेड़ियों में बंधने की सजा दे दी जाती है तो किसी को नाले में सड़ने की। यहां गंदे पानी में पड़े इन लोगों को इस नाले से बदबू नहीं आती बल्कि खुशबू आती है। ये कीचड़ को और गाढ़ा भी करते रहते हैं ताकि उसका लेप पूरे शरीर पर कर सके। दरगाह के पास बने गुसलखाने से आ रहे इस पानी में मजे से डुबकियां लगा रहे ये लोग इसे बीमारियों की सस्ती दवा मानते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबों के पैर चूमते हैं, पीर को खुशबुएं लगाते हैं, पीरों की खिदमतें करते हैं, इनको सब कुछ समझते हैं। और वहां जब मौत के वक्त आएगा दुर्रे पड़ेंगे फिर कहेंगे हमने ये नहीं किया। बला क्यों नहीं, इन्नल्लाह अलीम बिमा कुंतुम तअमलून। तुम दुनिया में जो शिर्क करके आए हो रब सबको जानता है। अब क्या होगा, फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फलबिसा मस्वल मुतकब्बिरीन। चलो जहन्नम के दरवाजों में मुशरिकों दाखिल हो जाओ, हमेशा की जहन्नम। साल दो साल चार साल की बात नहीं, खालिदीन फीहा हमेशा की जहन्नम। फलबिसा मस्वल मुतकब्बिरीन, तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना। और तकब्बुर करने वाला कौन होता है, जिसके सामने तौहीद की आयात पढ़ी जाए वो कहते हैं जी ये वो आयतें ढूंढ ढूंढ कर पढ़ते हैं जो हमारे मजहब के खिलाफ है, ये वो हदीसें पढ़ते हैं जो हमारे मजहब के खिलाफ है।
अरे जिसका मजहब कुरान और हदीस के खिलाफ हो जाए वो मजहब मुसलमान का मजहब हो सकता? मुसलमान का मजहब तो एक आयत के भी खिलाफ नहीं हो सकता। वलौ तरा إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق। काश तुम वो मंजर देख सको जब फरिश्ते काफिरों की रूहों को कबज कर रहे होंगे और साथ साथ उनके चेहरों और पीठों पे जरबे लगा रहे होते हैं और कहते हैं अब जलने के अजाब का मजा चखो। इस मंजर को अपने सामने रखिए, दुनिया के बाबों पीरों फकीरों को इलाह ना बनाइए, इनकी इबादत ना कीजिए, इनके लिए रुकू सजदे तवाफ नजर नियाज खौफ उम्मीद मोहब्बत तवक्कुल में इनको शरीक ना कीजिए, एक अल्लाह की तौहीद को मानिए। वगरना कुरान हकीम की आयत को सामने रखिए, फकैफा इजा तवफ्फतहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। उस वक्त क्या हाल होगा, उस वक्त क्या हाल होगा? अभी तो अभी क्या हाल है, एक हजरत सैयदना अली की शान में अशआर पढ़ते हुए कहते हैं, ओ मेरा मौला अल्लाह दे करीब है अली, हमारे मौला अली अल्लाह के बड़े करीब है, ओ जहन्नम दे बूवे उतो हाथ नप के जन्नत पहुंचाना जानदा है। जिस मौला अली को हम मानते हैं उनकी शान ये है कि वो जहन्नम के दरवाजे से जहन्नमियों को छीन के जन्नत में पहुंचाएंगे, यानी फरिश्ते जहन्नमियों को लेकर आ रहे होंगे। जहन्नम में जाने का फैसला कौन देगा? अल्लाह देगा। फरिश्ते पकड़ के लाएंगे, कहा वहीं जहन्नम के दरवाजे पर मौला अली खड़े होंगे, वो जो फरिश्ते ला रहे होंगे वो गौर से देख रहे होंगे, उनमें जो उनको अपना मलंग नजर आएगा छीन के जन्नत में भेज देंगे। अल्लाह ताकू इज्जत बुलंदियां देवे, मैं शेर पिया पढ़दा इन्हां सारिया तू वजनी शेर है, देखना मेरे पास सोना मेरा मान, ओ अल्लाह दे करीब अली सोना मेरा मान, ओ अल्लाह दे करीब अली, ओ दोजख दे बूए उत्तू हाथ नप के, दोजख दे बूए उत्तू हाथ नप के, ते जन्नत पुजा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस वक्त हाल क्या होगा कि जब इनके चेहरों को इनकी पीठों को पीटा जाएगा। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी ग़मराति मौत वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम। उस वक्त क्या हाल होगा, अगर काश तुम उन लोगों को उस वक्त देखो जब ये मौत की सख्तियों में फंसे हुए होंगे, फरिश्ते अपने हाथ इनकी तरफ फैलाए होंगे, अख़रिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी रूहों को, निकालो अपनी जानों को, अल यौमा तुज़ज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। अल यौमा तुज़ज़ौन, आज तुम्हें बदला आएगा, अज़ाबल हून शदीद अज़ाब, रुस्वा कुन अज़ाब, बदतरीन अज़ाब, बिमा कुंतुम तकूलून अला अल्लाह, उस जुर्म में जो तुम अल्लाह के जिम्मे झूठ बोलते थे, गैर अल हक झूठी बात कहते थे। लाल शहबाज की कब्र पे आने वाला हाजी कहता है अल्लाह ने कहा है, जिसके पास पैसा है वो सऊदी अरब हज करने चला जाए और जिसके पास पैसा नहीं है वो बाबा लाल शहबाज कलंदर की कब्र पे आ जाए, ये गरीबों का हज है। ला ये भाई साहब कलंदर बाबा पे जो आदमी आते हैं एक किस्म का हज है, गरीबों का हज इधर ही है, पैसे वाले सऊदी जा सकते हैं और गरीबों का हज इधर है, ये किस्म का हज है, सऊदी में पत्थर मारने पड़ते हैं और इधर भी पत्थर मारने पड़ते हैं। अल्लाह ने बोला भाई जब तुम लोग इधर नहीं आ सकते हो कलंदर बाबा पे जाओ और ये सुनते पूरी करो, तुम्हारा उम्रा है। आज तुम जो मर्जी कह लो, आज तुम जो मर्जी कह लो, आज तुम जो मर्जी झूठ अल्लाह पर बांध लो, अल्लाह पर बांध लो, इख्तियार है, लेकिन क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह पर बोले जाने वाले झूठ की वजह से अज़ाब होगा। वकुंतुम तस्तकबिरून, तुम अल्लाह की आयात को सुनकर तकब्बुर करते थे, उसकी सजा तुम्हें क़यामत के दिन मिलेगी। लोगो अल्लाह के लिए अल्लाह की तौहीद को समझो, अल्लाह के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को समझो, अल्लाह के लिए रब की तौहीद की दावत को पेश करने के लिए, आम करने के लिए उठ खड़े हो।
ये दौर जिससे मैं और आप गुजर रहे हैं फितनों का दौर है, ये दौर क़यामत की करीबी का दौर है। बहुत थोड़े हैं अल्लाह की तौहीद को समझने वाले, बहुत थोड़े हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के सही मफहूम को समझने वाले। अगर हम भी इस तौहीद के अकीदे को सीख कर सो गए, लंबी चादरें ओढ़ ली, तो फिर ये गम नहीं है कि अल्लाह का दीन मिट जाएगा, क्योंकि दीन कभी इंसानों का मोहताज नहीं रहा है। दीन कभी इंसानों का मोहताज, मैं और आप मोहताज हैं कि हम दीन को सीखें और सिखाएं, इसको फैलाएं, इसको आम करें। अल्लाह का दीन हमारा मोहताज, वगरना तातारी जिन्होंने दीन इस्लाम को मिटाने पर कमर बांधी थी, क्या रब ने उनकी नस्लों से लोगों को मुसलमान नहीं कर दिया था? अगर आप और मैं इस तौहीद के काम को छोड़कर बैठ गए तो फिर बर्बादी है हमारे लिए, हलाकत है हमारे लिए। अल्लाह तो और कौम ले आएगा जो अल्लाह की तौहीद को आम करेगी। अगर बका चाहते हो, अगर आखिरत में दर्जात चाहते हो, अगर जन्नत के ख्वाहिशमंद हो, मुस्तफा जिस तौहीद को लेकर आए, जिस ईमान व अकीदे को आपने उम्मत तक पहुंचाया, उसको लेकर आम कीजिए, उसको फैलाइए, उसको अल्लाह की तौहीद को आम कीजिए। उसके लिए जिंदा रहिए, उसके लिए मरिए, मौत भी आए तो अल्लाह की तौहीद के लिए, जिंदगी हो अल्लाह की तौहीद के लिए, जिए अल्लाह की तौहीद के लिए, मौत आए तो इस हाल में अल्लाह हमसे राजी हो, हम अपने अल्लाह से राजी हों। अकूलु कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।